ये क्यों फटती है आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आपने देखा होगा अक्सर हम किसी भी सीआरटी टीवी में ये वाली आईसी लगाते हैं, 7840 आईसी लगाते हैं और वो या तो तुरंत के तुरंत खराब हो जाती है या फिर कुछ दिन चलने के बाद खराब हो जाती है। तो दोस्तों आज हम इस का फटने का कारण मैं आपको बताऊंगा ये क्यों बार बार फटती है सीआरटी टीवी में और खराब हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार जेके इलेक्ट्रिक से। दोस्तों फिर आपका एक वीडियो में और एक नए फॉल्ट के साथ मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो है वो इस वर्टिकल आईसी के ऊपर है, जो कि दोस्तों आप देख पा रहे हो ये किस तरीके से बंद हो चुकी है, फट चुकी है। ये क्यों फटती है आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। आपने देखा होगा अक्सर हम किसी भी सीआरटी टीवी में ये वाली आईसी लगाते हैं, 7840 आईसी लगाते हैं और वो या तो तुरंत के तुरंत खराब हो जाती है या फिर कुछ दिन चलने के बाद खराब हो जाती है। तो दोस्तों आज हम इस का फटने का कारण मैं आपको बताऊंगा ये क्यों बार बार फटती है सीआरटी टीवी में और आपको समझ नहीं आता कि ये आईसी क्यों बार बार फट रही है और इलेक्ट्रिशियन कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस आईसी का फटने का क्या कारण होता है। तो दोस्तों इस आईसी के ख़राब हो जाती है। तो दोस्तों अगर जो आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जो दबा लो, जिससे कि मेरी वीडियो आप तक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो रिपेयर करने से पहले मैं आपको इसकी कंडीशन दिखा देता हूँ। देखिए इसमें ये वाली लाइन आ रही है, कोई इसमें किसी प्रकार की ना ही इसमें आवाज़ आ रही है और ना ही इसमें किसी प्रकार की पिक्चर। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसकी पावर सप्लाई चेक करेंगे कि हमें पावर सप्लाई 110 से 120 वोल्टेज से ओवर नहीं होनी चाहिए, जो कि दोस्तों हमें यहाँ पर 116 वोल्टेज मिल रहे हैं, ये भी हमारे वोल्टेज सही है। और अब हम वर्टिकल आईसी पर चेक कर लेते हैं। दोस्तों ऐसा होता है अगर जो हमारे ये वाले वोल्टेज ओवर होंगे तो भी हमारी वर्टिकल आईसी खराब होने के चांस होंगे। तो सबसे पहले अब हम वर्टिकल आईसी पर आ जाते हैं। देखिए इस पर हमें 14 से 15 वोल्टेज मिलने चाहिए, जो कि हमें प्रॉपर सही मिल रहे हैं। और यहाँ पे हमें भी इतने ही वोल्टेज मिलने चाहिए, थोड़े कम मिलेंगे हमें, जो कि डायोड से पॉजिटिव की साइड जाएंगे। और इस वाले सेंटर वाले पिन पे भी हमें इतने ही वोल्टेज मिलने चाहिए, जो कि दोस्तों सेंटर वाले पिन पे हमें नेगेटिव वोल्टेज मिलेंगे, जो कि हमारे 14 से 16 के वोल्टेज ही वोल्टेज होने चाहिए। और ये हमारी जो पिनें आती हैं वो आईसी से जो ड्राइव आती हैं ये वाली पिन होती है हमारी, जो कि इस पर हमें 0.7-0.9 वोल्टेज मिल लेंगे। देखिए इस पर भी हमें ओके वोल्टेज मिल रहे हैं। और ये हमारी आउट की पिन है, वर्टिकल आउट, जो कि हमारे वोल्टेज आउट करेगी वर्टिकल आईसी। दोस्तों इस पर हमारे एक्यूरेट वोल्टेज आ रहे हैं, जो कि हमें इतने ही वोल्टेज मिलने चाहिए, उसके बाद भी ये हमारी आईसी डालने के बाद आईसी इसमें फट जाती है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ। ट्यूनर पर आ जाते हैं, यहाँ पर हमारे 5 वोल्टेज। दोस्तों अगर ये वाले वोल्टेज भी हमें प्रॉपर नहीं मिलेंगे तो भी हमारी शायद या तो हमारा स्टैंड बाई ऑन ऑफ होता रहेगा या फिर हमारे वर्टिकल लाइन देखने को इसमें हमें मिल सकती है, एक लेटी हुई लाइन हमें इस पर देखने को मिल सकती है। और उसके बाद जो आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पर हमें इस ईप्रोम पर भी हमें जो वोल्टेज मिलेंगे दोस्तों 5 वोल्टेज मिलेंगे, जो कि ये भी हमारे वोल्टेज सही हैं और SDL वाले भी हमारे वोल्टेज इस पर सही मिल रहे हैं। ये भी हमारे कोई ओवर वोल्टेज नहीं है, 5 वोल्टेज हमारे कोई ओवर वोल्टेज नहीं होते हैं। तो अब हम इस पर एक हमारे और अब हम नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा होता है, इस यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि हमारी इस वाली पिन से जाएगा। और इस कैपेसिटर की वैल्यू दोस्तों 100 UF 50 वोल्टेज होती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसको चेंज करेंगे 100 UF 50 वोल्ट, इसको हम सेट को पहले ऑफ़ कर लेंगे और ऑफ़ करने के बाद हम इसको
निकालते हैं और देखते हैं इसकी क्या कंडीशन है। दोस्तों मैंने इसको ओपन किया, इसकी वैल्यू देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी वैल्यू देखिए 100 mmD 50 वोल्टेज है। दोस्तों ये कैपेसिटर होता है हमारा हर किट में मिलेगा, हर CRT टीवी में लगा मिलेगा, जो कि हमारी इस वाली पिन से लगा मिलेगा, जो ड्राइव के पास पिन होती है इसके पास मिलेगा, हमें हर एक CRT टीवी मिलेगा। तो सबसे पहले हम इसको रिप्लेस करेंगे और रिप्लेस करने के बाद हम ये पहले कैपेसिटर डाल लेंगे, एक इसमें कैपेसिटर लगा लेंगे एक, और उसके बाद हम इसको चेक करेंगे कि क्या रिस्पॉन्स आता है हमारा। मैंने कैपेसिटर रिप्लेस कर दिया है और अब हम इसमें ये वाली IC लगाते हैं, न्यू IC लगाते हैं इसमें और फिर चेक करते हैं। देखिए दोस्तों मैंने इसमें वर्टिकल और ये एक कैपेसिटर बदला है और एक ये वाली रेजिस्टेंस भी हमारी बर्न हो रही थी, मैंने ये वाली रेजिस्टेंस भी चेंज करी है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। दोस्तों मैंने फाइनली IC इसमें डाल दिए और अब हम दोस्तों इसको थिनर से क्लीन कर लेंगे। जैसे कि कोई शॉर्टिंग ना रह जाए दोस्तों इसमें। मैंने इसको थिनर से क्लीन कर लिया है और क्लीन करने के बाद अब हम इसको वोल्टेज चेक करेंगे इसके कि हमारे वोल्टेज बने या नहीं बने, IC पे इसकी बर्न होती है या नहीं होती है। दोस्तों ये इलेक्ट्रिशियन के पास से ग्राहक का कस्टमर का कहना है कि हमने एक इलेक्ट्रिशियन के पास इसको कई बार रिपेयर करा चुके हैं। तो दोस्तों अब हमने इसमें IC डाल दिए और अब हम इसको पावर दे के देखते हैं इसमें हमें क्या रिस्पॉन्स मिलता है। दोस्तों अब हम इसको पावर देते हैं और पावर देने के बाद हम वोल्टेज चेक करते हैं इसके। दोस्तों मैंने इसको पावर दे दिया और सबसे पहले हम इसके क्या कौन से वोल्टेज चेक करेंगे, हम देखते हैं कि इस पर IC पर हमें कितने वोल्टेज मिलते हैं। देखिए सबसे पहले हम वेंटेन ही चेक करेंगे दोबारा से। देखिए इस पर 116 वोल्टेज हमें मिल गए यहाँ पर। और अब हम जो चेक करेंगे दोस्तों, हम देखते हैं कि इस पर हमें पिक्चर बनी या नहीं बनी। हम मीटर को AC पर लगा लेंगे, AC पर हमें दोस्तों यहाँ पर जो हमें वोल्टेज मिलेंगे दोस्तों AC के हमें 12 वोल्टेज तक हमें मिलेंगे। अगर जो हमारी 12 वोल्टेज यहाँ पर हमें प्रेजेंट है तो हमारी पिक्चर खुल चुकी है, यानी कि हमें AC वोल्टेज मिलेंगे 7 से 12 वोल्टेज मिलेंगे। तो अगर जो हम इस पर हमें 7 से 12 वोल्टेज मिल रहे हैं तो हमारी IC वर्क कर रही है। देखिए इस पर 6.8 मिल रहे हैं वोल्टेज, इसका मतलब हमारी अब इस पर पिक्चर बन गई होगी। तो और अब हम इस पर आगे देखते हैं कि हमारी पिक्चर बन रही है नहीं बन रही है। देखिए दोस्तों अब हमारा सेट ओके हो चुका है, इसमें किसी प्रकार की ना ही कोई लाइन है और ना ही इसमें हमारी IC बर्न हो रही है। तो दोस्तों मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और एक लाइक ज़रूर करें। दोस्तों अगर जो आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।